तो नमस्कार दोस्तों, आखिरकार हम ले आए हैं अब सीरीज का दूसरा वीडियो जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका आप लोग को काफ़ी इंतज़ार था। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस समझाई कि इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे जनरेट करते हैं अल्टरनेटर्स के थ्रू, जिन्हें चलाया जाता है स्टीम टर्बाइंस के द्वारा, और फाइनली हम अपने ट्रांसफार्मर तक आते हैं कनेक्शंस को लेकर, और ट्रांसफार्मर के थ्रू हम अपने वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, 11 किलो वोल्ट पर जनरेट करते हैं, और वोल्टेज को बढ़ाते हुए हम 66 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट तक हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर पाएँ। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको समझाऊंगा कि वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं, तो दोस्तों वोल्टेज को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि हम अपनी पावर को जो भी हमने जनरेट करी है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज पाएँ और लॉसेस कम कर पाएँ। अब लॉसेस कौन से होते हैं? हीट लॉसेस, जैसा कि हम इधर देख पा रहे हैं प्राइमरी साइड करंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कंडक्टर का साइज़ मोटा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिसे कूल करने के लिए हमें इन्हें ऑयल जैकेट्स के अंदर ट्रांसफार्मर तक लेकर आना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा करंट को हैंडल करने के लिए अगर हमें 150 किलोमीटर तक भी ट्रांसमिशन लाइन को ले जाना पड़ा तो इन ऑयल जैकेट्स के अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। जगह जगह ऑयल कूलिंग के अरेंजमेंट हमको करने पड़ेंगे, उसके बावजूद भी हमारी काफ़ी सारी पावर हीट लॉसेस के फॉर्म में खर्च हो जाएगी, तो इसके लिए हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। अब मुझसे अक्सर यह स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करेंट कैसे कम हो रहा है? करेंट भी तो बढ़ जाएगा क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज बढ़ता है तो करेंट भी बढ़ जाता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस। तो फ्रेंड्स, जब हमारे माइंड में ऐसा ख्याल आता है तो हम यह भूल जाते हैं कि पावर कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारा जो जनरेटर है मान लो 1200 मेगावाट का है, तो पावर तो 1200 मेगावाट ही रहेगी। अब हम जैसा कि जानते हैं P इज इक्वल्स टू क्या होता है? VI। अब हमारे ऊपर है कि हम वोल्टेज को ज़्यादा रख के करेंट को कम रख लें या करेंट को ज़्यादा रख के वोल्टेज को कम रख लें। ध्यान रखिए, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर करेंट कम हो जा रहा है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। अब मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपका पूरी तरीके से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि वोल्टेज को हम क्यों बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें अगर पानी को दूर तक भेजना है तो हमें हाइट पे वाटर टैंक को रखना पड़ता है। जैसे ये मेरा वाटर टैंक है, इसमें से ये पाइप के थ्रू यहाँ पे वाटर काफ़ी प्रेशर से निकल रहा है, तो ये जो वाटर की स्पीड है ये करेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वाटर के ऊपर प्रेशर लग रहा है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब वाटर इस पाइप में से फ्लो हो रहा है तो इस वाटर को ये पाइप की जैकेट के थ्रू रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम जो पाइप है उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ा दें, काफ़ी दूर डिस्टेंस तक हमें उस पानी को भेजना हो, तो हमें पता लगेगा कि उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, और वहाँ काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे जो पानी निकलेगा पाइप से वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, और जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही पानी का जो जेट है वो कम होता जाएगा। तो अगर हमें उसे मेंटेन रखना है तो अपने वाटर टैंक की हाइट को बढ़ाना होगा, तो अगेन हम वाटर टैंक की हाइट को बढ़ा देंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हमारा जेट मेंटेन रहेगा, पानी को हम अधिक से अधिक क्वांटिटी में कम समय के अंदर भेज पाएंगे। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लागू होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी, जहाँ पे हमें पावर को दूर तक ट्रांसमिट करना है तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा। और दोस्तों, जो अगला एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ इससे तो पूरी तरीके से ही आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं। और अगर ये एग्जाम्पल आपको पसंद आए तो उस वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है, यह हमारे पास एक पुली है जो काफ़ी स्पीड से घूम रही है, और इस पुली की पावर को हमें ट्रांसफ़र करना है दूसरी पुली तक जो काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों को हमने कपल्ड करा हुआ है बेल्ट के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पुली काफ़ी तेज़ी से घूमेगी तो ये बेल्ट भी काफ़ी तेज़ी से रन करेगा, और बेल्ट और इस पुली के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन भी होगा, काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, और ये बेल्ट गर्म भी हो जाएगा, यानी सिस्टम में लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि मैकेनिकल सिस्टम में पता है हमें पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क। तो इस सिस्टम में मान लीजिए स्पीड काफ़ी ज़्यादा है एक पर्टिकुलर टॉर्क के लिए, तो यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अब मुझे इस सिस्टम में होने वाले लॉसेस को कम करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा? मैंने उन दोनों पुली को इन दो गेयर से रिप्लेस कर दिया। अब ये गेयर कपल्ड हैं ये बड़े वाले गेयर से, और इन दोनों बड़े गेयर को कपल्ड करा है इन पुली और बेल्ट के थ्रू। अब देखिए, जैसे ये पुली काफ़ी तेज़ घूम रही थी उसको रिप्लेस कर दिया हमने, तो यह भी उतनी तेज़ी से घूम रहा है,
लेकिन ये वाला जो गियर है ये इससे कम स्पीड पे घूमेगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में 10:100 का रेशियो है, तो मतलब ये यहाँ पर 10 टीथ है, तो यह गियर 10 चक्कर घूमेगा तब जाके ये गियर 1 चक्कर घूमेगा। और इसी प्रकार से ये दोनों गियर बेल्ट के थ्रू कपल हैं, दोनों सेम साइज के हैं, तो दोनों सेम स्पीड से घूमेंगे, लेकिन यहाँ पर बेल्ट को उतनी तेजी से रन नहीं करना पड़ेगा, तो बेल्ट और ये पुली के बीच का फ्रिक्शन ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। और इसी प्रकार से फाइनल जब हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमें स्पीड और टॉर्क वही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यही सेम वही रेशियो से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे टॉर्क को, या फिर हम या बोल सकते हैं हम स्पीड को उसी रेशियो से इंक्रीज कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस गियर में जो स्पीड है वह कम होगी लेकिन टॉर्क ज़्यादा होगा। मतलब ये जो काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है गियर और इस बड़े गियर को घुमा रहा है, तो उस बड़े गियर को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। हमने अक्सर मैकेनिकल सिस्टम्स में देखा है, तो यहाँ पर हीट और जो साउंड लॉसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी सिस्टम में या साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा, वो सिस्टम से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी लागू होता है, हमें अगर लॉसेस को कम करना है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बेल्ट की जो मोटाई है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा सिस्टम में, तो इसके लिए हमें ये इंसुलेटर डिस्क, बड़ी बड़ी इंसुलेटर डिस्क रखनी पड़ती हैं ताकि हम इसके ऊपर जो वोल्टेज है उसे अर्थ से इंसुलेट कर पाएँ। अब जैसे अगर हम वोल्टेज को 66 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट कर रहे हैं तो हमें डबल कंडक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम वोल्टेज को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, 400 किलो वोल्ट तक अगर हम बढ़ा रहे हैं HVAC ट्रांसमिशन यानी, तो वहाँ पर हमें डबल कंडक्टर यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वोल्टेज स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आजू बाजू गैस जो है वो आयनाइज होने लगती है, जिसको बोलते हैं कोरोना लॉस। ट्रांसफॉर्मर के बाद जो लगे होते हैं ये होते हैं हमारे सर्ज अरिस्टर, तो जो सर्ज जो वोल्टेज अचानक से बढ़ता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर अगर बिजली गिरती है तो वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है, या फिर स्विचिंग सर्ज भी होते हैं जब हम स्विच करते हैं, ऑन कर रहे हैं ऑफ़ कर रहे हैं, उस टाइम भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरी करता है ट्रांसमिशन लाइन का, तो वो सर्ज ट्रांसफार्मर तक ना पहुँचे उसको अरेस्ट करने के लिए सर्ज अरेस्टर लगते हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, एक टर्मिनल इनका यहाँ कंडक्टर से कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल जो है वो अर्थ होता है, तो जैसे ही वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे 66 किलो वोल्ट की लाइन है और वो 3 गुना 4 गुना तक बढ़ गया वोल्टेज अचानक से, तो वो इस सर्ज अरिस्टर के थ्रू जो है अर्थ हो जाएगा। सर्ज अरिस्टर लगाने के बाद कई मॉडल में फ्रेंड जो सर्ज अरिस्टर होता है वो ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर ही इंस्टॉल्ड होता है, क्योंकि हमें पता है जो ट्रांसफार्मर का टैंक है उसको भी प्रॉपरली अर्थ करा जाता है, इन केस कभी कांटेक्ट हो जाए वाइंडिंग और टैंक के बीच में, तो जो पर्सनल है आसपास मेंटेनेंस के लिए उनकी लाइफ को खतरा बढ़ जाता है, जिसके लिए ट्रांसफार्मर के टैंक को भी प्रॉपरली अर्थ करा जाता है। सर्ज अरिस्टर के बाद जो हम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं अपनी जनरेटिंग स्टेशन पे, बस होती है, ये जो 3 कंडक्टर हैं ये हमारे क्या हैं, जनरेटर बस हैं, इनके ऊपर हम अपने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा हमारा ये एक पूरी एक ही यूनिट है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है लेकिन एक सिंगल यूनिट है। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर बनाया था। अब जैसे फ्रेंड जो जितनी पावर हमको लगती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लगती है, तो एक जनरेटर के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है जनरेट कर पाना, काफ़ी सारे मल्टीपल जनरेटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं एक ही पावर प्लांट के अंदर, और उन सबको किस में कनेक्ट करा जाता है, पैरेलल में। तो ये जो जनरेटर बस है इसी की हेल्प से इनको पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है और उनको सेम सीक्वेंस में ही कनेक्ट करा जाता है, जैसे ये आर फेस, ये वाई फेस और ये बी फेस। तो जो दूसरा दूसरी यूनिट होगी इस ट्रांसफार्मर के साथ भी एक जनरेटर होगा अंदर, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी उसी सीक्वेंस में आर फेस, वाई फेस और बी फेस से इस बस में कनेक्ट होगा। तो ये जनरेटर बस हो गई, पावर प्लांट में से कई ज़्यादा जनरेटर होते हैं और वो सब इसी तरीके से पैरेलल कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गई हमारी जनरेटर बस, ये फ्लेक्सिबल बस है जो इस तरीके से 2 टावर के बीच में बांधी गई है, और सॉलिड बस का यूज़ भी होता है कई जगह। इसके बाद हम अपने ट्रांसमिशन लाइन तक जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन तक जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर्स को लगाना पड़ेगा। तो जो हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए जो यूज़ होते हैं वो SF6 सर्किट ब्रेकर होते हैं, इन सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ हमको लगाना होता है आइसोलेटर्स को,
तो ये हमारे आइसोलेटर्स इंस्टॉल्ड हैं, ताकि इन केस अगर हमें इस सर्किट ब्रेकर को कभी रिपेयर करना है, इसका मेंटेनेंस करना है, या इसमें गैस फिल करना है, जैसे ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर होता है, इसके अंदर एसेप्टिक गैस भरी होती है, तो अगर हमें इसको रिपेयर करना है, गैस को अगेन फिल करना है, तो हमें आइसोलेटर्स को ओपन करना पड़ेगा। तो आइसोलेटर्स को हम दोनों ही आइसोलेटर्स को ओपन कर देंगे तो हम इंश्योर हो पाएंगे कि ना ही हम जनरेटर से कनेक्टेड हैं और ना ही ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड हैं, तो हमारे जो पर्सनल हैं जो मेंटेनेंस कर रहे हैं वो सेफली इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो भी लाइन को ओपन कर रहा है, लेकिन और आइसोलेटर भी लाइन को ओपन या क्लोज कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है फ्रेंड, सर्किट ब्रेकर जो है वो इमरजेंसी की कंडीशन में ही या वर्किंग कंडीशन में ही जो है सर्किट को ब्रेक करेगा। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, करंट अचानक से बढ़ गया, तो रिले उसको सेंस कर लेंगे और सर्किट ब्रेकर के थ्रू सर्किट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जब ओपन कर देंगे तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो ज़ीरो हो गया, तो अब इन आइसोलेटर में करंट फ्लो तो नहीं कर रहा है, वोल्टेज तो ज़रूर है इनके ऊपर, यहाँ से जनरेटर जनरेटर के से कनेक्टेड हैं, वोल्टेज तो ज़रूर है लेकिन करंट नहीं है। तो हम इसको, करंट जब ज़ीरो है तो हम इसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे, ये जो आइसोलेटर्स की रॉड हैं जब ये घूमती हैं इस प्रकार से, तो हमारा आइसोलेटर ओपन हो जाता है और हम जनरेटर से आइसोलेट हो जाते हैं, अपने सर्किट ब्रेकर पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट जा रहा है, इसको मेजर करने के लिए हमें करंट ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना होता है, जो कि आइसोलेटर से पहले यहाँ लगे होते हैं। तो यहाँ पर जितना भी करंट जा रहा है इन करंट ट्रांसफार्मर से होता हुआ जाएगा, और हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, करंट को रिड्यूस कर देता है। तो जैसे इसमें 1000 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो जिसको हम एक छोटे से एम मीटर के थ्रू इजिली मेजर कर सकते हैं, जो 5 एम्पेयर रेटिंग का है या 100 एम्पेयर रेटिंग का जो स्टैंडर्ड एम मीटर आता है उसके थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन सर्किट ब्रेकर और इन आइसोलेटर से पहले भी सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है। सर्ज अरेस्टर को काफ़ी जगह इंस्टॉल करा जाता है अचानक से वोल्टेज जो बढ़ रहा है उसको अर्थ करने के लिए। तो फिर ये सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के बाद हम इसको हम अब कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। तो जैसे हमारे पास यहाँ दो जनरेटर यूनिट हैं, दो ट्रांसफार्मर यूनिट हैं, तो हमें इस पावर को दूर तक लेकर जाना है। वोल्टेज तो हमने बढ़ा ही दिया है, तो हमें ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन हम बना सकते हैं। जैसे एक सर्किट ये है, एक जनरेटर की जो पावर है वो इन 3 कंडक्टर से जा रही है, और इसी प्रकार से जो दूसरे जनरेटर की जो पावर है वो इन 3 लाइन कंडक्टर्स के थ्रू जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 400 kV तक हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो हमको ट्विन कंडक्टर यूज़ करने पड़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, और अगर 132 kV है या 66 kV है या 220 kV है तो हमें ट्विन कंडक्टर की ज़रूरत नहीं है। इन लाइन में कितना करंट जा रहा है ये तो हमें करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू पता लग जाएगा, लेकिन इन लाइन के ऊपर वोल्टेज कितना है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन बसेस के ऊपर कनेक्ट करते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर को या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को। वह भी सर्ज अरेस्टर के थ्रू की तरह पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, मतलब एक यहाँ बस से कनेक्ट होगा एक टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल उनका क्या होगा, अर्थ होगा। तो अगेन हमें वोल्टेज को मेजर करना है, तो अगर हम 132 kV के लिए वोल्ट मीटर लाएंगे या बनाएंगे, तो वो वोल्ट मीटर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा, उसको डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगेन वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ता है। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वह भी बिल्कुल करेंट ट्रांसफार्मर की तरह ही दिखता है कुछ इस प्रकार से, तो वो वोल्टेज को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। तो जैसे मान लीजिए इस जनरेटर बस के ऊपर 132 kV है वोल्टेज, तो वो उसको रिड्यूस कर देगा फॉर एग्जाम्पल 13 वोल्ट तक। तो 13 वोल्ट को ईजिली मेजर करा जा सकता है, तो हमारा जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा 13 वोल्ट, हम उसको मान लेंगे इक्विवेलेंट 132 kV। इस प्रकार से अगर जनरेटर बस का वोल्टेज डाउन होता है लोड बढ़ने की वजह से, तो वो भी हमको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के थ्रू पता लगता रहेगा। अपने सब स्टेशन बिल्डिंग में जो पैनल्स लगे होते हैं वहां पर भी पता लगता रहेगा, और ये जो ट्रांसफार्मर जहाँ इंस्टॉल्ड होता है उसके नीचे भी पैनल होता है, वहां पर भी हमको वोल्टेज पता लगता रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्विच यार्ड हमने देखा है, इसको मैंने फर्स्ट टाइम में आपको इंट्रोड्यूस करा है, तो उसको मैंने काफी सिंप्लीफाइड कर दिया है ताकि आप इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक फंक्शन समझ पाए, और बहुत से इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ दिखाए भी नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी वीडियो सीरीज आगे बढ़
पड़ेगी, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और सब स्टेशन का और डिटेल्ड मॉडल हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने जो जनरेटर बस देखी है वो एक नहीं होती है, मल्टीपल बस होती हैं, एक मेन बस होती है और एक ऑक्सिलरी बस होती है। हम सारे कंपोनेंट को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज यह टिपिकल हो जाएगा इसको समझना और वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद जो सब स्टेशन होता है उसमें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा है वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।